हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ सुरभि कोहली हेयर. तो आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रही हूँ वो वन ऑफ़ द बेस्ट मार्केट ब्लीच है. तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था. बेसिकली उसका नाम है शेरल ब्लीच. तो बेसिकली मुझे ये रिकमेंड किया था ब्यूटी पार्लर ने. वन ऑफ माय मेरी फ्रेंड का एक फंक्शन था तो मुझे तैयार होना था. तो मेरे फेस काफ़ी डल हो चुका था उस टाइम. तो उसने रिकमेंड किया कि आप इसे लगाएं और इंस्टेंट ग्लो आएगा. और मैं काफ़ी 3-4 टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ इसे. और काफ़ी इफ़ यू वांट टू लुक लाइक इफ़ यू वांट अ इंस्टेंट ग्लो देन यू कैन यूज़ एंड लाइक विद इन 8 or 10 मिनट्स यू विल गेट अ इंस्टेंट ग्लो. और काफ़ी अच्छा है. और स्पेशली फर्स्ट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी, बेसिकली सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. बिकॉज मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है. अगर मैं कुछ भी और यूज़ करूँ तो आई गेट पिंपल्स इजीली. बट इसको ब्लीच यूज़ करने के बाद आपके पिंपल्स भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि बेसिकली ये पोर्स को ओपन करती है. तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से. मुझे पड़ा है 650 रुपीज़ का. बट हाँ, यू कैन यूज़ इट फॉर 10 टाइम्स. तो बेसिकली 65 रुपीज़ में पर मंथ आप यूज़ कर सकते हैं इसे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये शेरल के बीच में हमें ये काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं 2 एक्टिवेटर्स और साथ में 2 लोशंस. एक है प्री ब्लीच लोशन और एक है हमारे पास पोस्ट ब्लीच लोशन. तो और साथ में हमें स्कूप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम मेजरमेंट करके उसको क्वांटिटी में मिक्स कर सकें. तो अभी मैं आपके सामने ब्लीच मिक्स करूँगी और आपको बताऊँगी कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें मिक्स करना चाहिए. तो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि इसके यूजेस क्या हैं. तो सबसे पहले यूज़ है ये पिगमेंटेशन. अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखी है या सनबर्न हो रखा है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इट्स वेरी गुड. तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत सेफ है. तो कोई भी आपका इसका हार्मफुल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन थी. तो मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो आई वॉज ऑल्सो वरीड कि कहीं पिम्पल्स ना हो जाएँ या रैशेज ना हो जाएँ. बट थैंकफुली इट केम आउट वेरी नाइसली. तो तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये ब्लीच. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लगाना और बाकी यूजेस मैं आपको बाद में बताऊँगी. वन स्पून इसका डाला था अपने फेस के अकॉर्डिंग और हाफ स्पून इसका एक्टिवेटर का डाला था. तो एक्टिवेटर जब आपका डल जाए तो आप इसको जरूर स्किन पे टेस्ट करके देखें एक बार, जैसे कि इरिटेशन तो नहीं हो रहा है. अगर इरिटेशन हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका एक्टिवेटर ज़्यादा डल गया है, तो आपको दोबारा फिर बनानी पड़ेगी. तो आई विल सजेस्ट कि आप धीरे धीरे एक्टिवेटर डालें ताकि क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, वरना अदरवाइज जो आपके हेयर्स हैं वो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे, डार्क गोल्डन हो जाएंगे. तो वो काफ़ी मतलब विजिबल होगा, तो दूर से ही आप पता लगा सकते हो कि इस बंदे ने ब्लीच किया है. तो काफ़ी नेचुरल लुक देने के लिए हम एक्टिवेटर प्रोपोर्शन क्वांटिटी में डालें. तो अब हमें सबसे पहले प्री ब्लीच लोशन है दिस वन, तो ये हम लगाने जा रहे हैं अपने फेस पे एंड देन वी कैन पुट द ब्लीच. तो मैं छोटे मिरर का यूज़ कर रही हूँ. तो फर्स्ट आप यूज़ करो, देन सेकेंड राइट एंड देन फोरहेड एंड देन चिन एंड देन यू विल मसाज इट विद लाइट हैंड्स ताकि कोई रिएक्शन ना हो. ये इसलिए दिया जाता है आपको ये ब्लीच लोशन. अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लग रहा है कम पड़ रहा है तो यू कैन पुट अ ड्रॉप नोज पे, अपर लिप्स. और मेक श्योर कि जब भी आपने थ्रेडिंग करवाई हो उस दिन ब्लीच ना करें, वो बेटर रहेगा. अदरवाइज बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी. तो अगर आपने लाइक थ्रेडिंग आज कराई है तो ब्लीच आप कल करिए. तो अभी मेरा लोशन सब जगह हो गया है और मैंने ब्लीच जो है मिक्स करके रखी है. तो नाउ आई स्टार्ट अप्लाइंग द ब्लीच. और इसको काफ़ी इसकी थिन लेयर लगाई है अपने फेस पे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मोटी और सारे फेस पे कवर कर जाए. तो आपकी इच्छा है, आप इसको स्पैटुला. मैंने सारी ब्लीच जो है फेस पे लगा ली है. तो ब्लीच को लगाने के लिए आप 2-3 चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ कि आप जो है थिन लेयर लगाएं, इसकी ज़्यादा मोटी थिक लेयर मत लगाएं, वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कलर दे देगी ये गोल्ड कलर, तो आपके फेस की स्किन टोन से बिल्कुल अलग हो जाएगा. और सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ के जो आपके हेयर्स हैं उनको फुल कवर मत करें, जो स्पेशली
जो यहाँ पे थिक हेयर्स हैं वो मैंने कवर नहीं किया और उनको आप पीछे कर लीजिए, और जो लाइट लाइट हेयर्स हैं उनको ही ब्लीच से कवर करें। और थर्ड थिंग इज़ कि आप आईज़ के पास इसको ब्लीच को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आईज़ और आप जो अंडर जो आपकी आईब्रोज़ हैं उससे आप थोड़ा दूर रखें ब्लीच को, क्योंकि अदरवाइज़ आईब्रोज़ भी आपकी ब्राउन कलर की हो जाएगी और जो एक नेचुरल लुक होता है वो नहीं आ पाएगा। तो मैं इसको 5 to 8 minutes ट्राई करूँगी एंड देन फिर देखते हैं इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। अब 5 minutes हो चुके हैं, तो जब भी 5 minutes हो जाए और साथ में थिक होने लेयर स्टार्ट हो जाती है तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ वहाँ फिर से कलर आना स्टार्ट हो जाए। एज यू कैन सी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, देन आई वॉश इट आउट आफ्टर 3 or 4 minutes। इसको मैक्स टू मैक्स आप 10 minutes रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो अदरवाइज इट इज़ हार्मफुल फॉर योर स्किन, बिकॉज एक्टिवेटर होता है इसमें तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है स्किन के लिए। तो आप इसको बस मिक्स करिए आफ्टर 5 minutes। अब मैंने मिक्स किया था, अब उसके बाद जो है इरिटेशन अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग पड़े तो आप पूरी ब्लीच रिमूव कर दीजिए, बट अगर हल्की सी इरिटेशन है तो फर्स्ट ट्राई टू रिमूव फ्रॉम हेयर, बिकॉज ये पार्ट जो है वो हमारा काफ़ी सेंसिटिव होता है। ये वाला इस तरह से आप स्पैटुला से इसे रिमूव कर सकते हैं, ये पार्ट से आप पहले रिमूव कर दें क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव एरिया। वॉश आउट कर लिया है फुल ब्लीच और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोस्ट ब्लीच लोशन। तो जैसे हमने प्री ब्लीच लगाया था वैसे ही पोस्ट ब्लीच लगाना है, 1 ड्रॉप इज इनफ, उसके बाद आप इसको मसाज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको लाइट हैंड से आपने करना है और हल्का सा रेडिश स्किन हो जाती है आफ्टर ब्लीच लगाने के बाद क्योंकि इसमें एक्टिवेटर होता है, बट आफ्टर 5 or 10 minutes इट विल बी नॉर्मल, तो कोई वो वरी करने की बात नहीं। देख सकते हैं ये पोस्ट ब्लीच इंस्टेंट ग्लो, जब भी आप इसे लगाएं तो ये है, जब भी जिसकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो वो जो है शेरल ब्लीच मैं रिकमेंड करूँगी वो यूज़ कर सकता है शेरल ब्लीच, और जिसके ज़्यादा पिगमेंटेशन है पिंपल्स हो रहे हैं तो वो यूज़ कर सकता है शेरल ब्लीच, क्योंकि ये जो है आपके पोर्स को ओपन करती है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई भी फेस पैक हो, जैसे आपकी ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक गुड रहेगा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप उसमें गुलाब जल ऐड करके फेस पैक लगा सकते हैं आफ्टर दिस ब्लीच, तो वो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है, उसको ओपन करके उसमें से डस्ट रिमूव कर देगी, देन यू कैन फिल द पोर्स विद द फेस पैक। तो आप बताइए यूज़ करके कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और अपना कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैं अगला वीडियो किस पे रिव्यू करूं। और मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कोहली गर्ल। टिल देन बाय बाय, साइन ऑफ।